हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं पटना के काफ़ी फेमस जगह जिसका नाम है इको पार्क। और आज मेरे साथ इस वीडियो में मेरा दोस्त अल्ताफ भी है, जो आप लोगों को इंटरटेनमेंट देने की कोशिश करेगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो हर वीडियो में आप लोगों को हंसाने की कोशिश करेगा। सेम उसी तरीके से आज भी उस वीडियो में आप लोगों को हंसाने की कोशिश करेगा। और ऑल्सो आपको यहाँ पे छोटे से पार्क में आपको एक छोटा सा पहाड़ दिखने को मिलेगा, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एक छोटा सा पहाड़ दिखने पर है, इस पर से पानी भी गिरता है, बट पता नहीं इस पर पानी कहाँ गया। आई थिंक हम लोग के देश में पानी की कमी हो गई है, इसीलिए यहाँ पे पानी भी नहीं दिखाई दे रहा। बट ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर पानी इस पर से गिरता तो और खूबसूरत लगता। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको एक एयरक्राफ्ट भी दिखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आप एयरक्राफ्ट आपको दिखने को मिल रहा होगा, जो काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा है। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं इस पर घूमने के लिए। बहुत सारा डर लग रहा है हमको, पता नहीं क्या होगा, बट देखिए क्या होता है। तो हम इस पर जा रहे हैं। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, असगर प्रिपेयर हो रहा है स्टंट करने के लिए। एक्चुअली इसकी गर्लफ्रेंड ने बोला है कि अगर आप स्टंट करोगे तभी मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी गर्लफ्रेंड इससे बात नहीं कर रही। तो स्टंट करने के लिए इको पार्क आया, बोला कि इससे अच्छा जगह कोई नहीं मिल सकता है, क्योंकि इको पार्क में एक साइड में फिजिकल ट्रेनिंग के लिए कुछ जगह दी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं उस साइड एक भाई वहाँ पर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, और इधर भी देख सकते हैं चारों बगल सारा चीज़ फिजिकल से रिलेटेड है। तो आप असगर को देखिए। गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं, आप जा रहे हैं। ये मेरा पहला राइडिंग है, पहले कोई स्टैंड किया नहीं, बहुत सारा डर भी लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। साथ में भैया मदद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के स्टाफ हैं। तो असगर कैसा लग रहा है जाते हुए? असगर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अब देख सकते हैं यहाँ पर असगर अपना दूसरा स्टंट करने जा रहा है, जो सिर्फ रस्सी पर चलना होता है। भाई बहुत डर लग रहा है, दोबारा नहीं करेंगे तो? ये बोलो कि गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करोगे? देख सकते हैं गाइस, इसको असगर को चलते हुए इधर से फिर इधर चलते हुए उसे वापस जहाँ से इसने शुरू किया था उस कोन पर जाना है। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं, और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी स्टंट कर रहा है अपने पापा के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। असगर यहाँ पर दूसरा पड़ाव पार कर चुका है, अब तीसरे की ओर चल रहा है। Go ahead, Asghar. जैसा कि आप देख सकते हैं कि असगर अपना स्टंट कंप्लीट कर चुका है। अभी से बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है तो पानी पी रहा है। पानी पीने के बाद ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा हम लोगों के साथ। उसके बाद ये अपने गर्लफ्रेंड को कॉल कर सकता है, उसे बाबू सोना बोल सकता है, फिर ये बोल सकता है मेरे बाबू ने खाना खाया क्या? पार्टी बदल लिया साला, क्या बोल रहा है? नहीं गाइस, लाइफ में पहली बार स्टंट किए थे,
काफी अच्छा था, लेकिन इसमें बहुत सारा भी राउंड था जो काफी डिफिकल्ट था अपने गर्लफ्रेंड के लिए किया है, लेकिन बहुत मजा आया। बस कोई कोई राउंड था जो काफी ज्यादा टफ था, लाइफ में मेरा पहली बार स्टंट किया है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं बच्चों को झूलने के लिए तरह तरह के, जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो असगर क्या तुम इन झूलों को खेलना चाहोगे? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है ये, तुम्हारे होने वाले बच्चों के लिए है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लीजिए व्यू इको पार्क का कितना अच्छा लग रहा है। असगर आगे चल रहा है, यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे भी हैं और धीरे धीरे शाम हो रही है तो लोग और ज़्यादा आ रहे हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। इस मौसम में तो दिल गदगद हो जाए। तो अब देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा है। तो फाइनली इस इको पार्क में हमको एक बड़े भैया मिल गया। आइए इनसे कुछ बात करते हैं और इनको कैसा लग रहा है, इनसे कुछ बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको इस पार्क में? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे घूमने में नेचर काफ़ी अच्छा है पटना का और घूमने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। आप यहाँ पे अकेले हैं? नहीं, अपने दोस्तों के साथ आए हैं। कोई गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं, गर्लफ्रेंड वगैरह तो है पर यहाँ नहीं, हम लोग दिल्ली से हैं। अच्छा, दिल्ली में है गर्लफ्रेंड, हम लोग यहाँ जॉब वूब करते हैं तो ऐसे आए। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटा सा तालाब है जो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोट राइडिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना मस्त बोट राइडिंग कर रहे हैं और वहाँ पे आपको हंस भी दिखने को मिलेगा। हम लोग राइड नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी पटना जू में राइड किए थे, काफ़ी हम लोग को पैर दर्द किया था, अभी भी पैर दर्द करता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अब जब भी यहाँ पे आए तो आपका बोट का अगर शौक हो तो आप बोट राइडिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटा सा एक टनल है इस साइड से उस साइड जाने के लिए, क्योंकि इको पार्क जो है जो दो पार्ट में डिवाइड है, ये टनल जो है रोड के नीचे से होते हुए उस पार्क को जाएगा। अगर आप इको पार्क आते हैं तो ये टनल आपको देखने को जरूर मिलेगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्यारे स्टैचू अवेलेबल है। आई थिंक इसका जो लुक है वो लाइन की तरह दिख रहा है, लेकिन काफ़ी इसका खूबसूरत भी दिख रहा है। लग रहा है कि पूरा प्योर गोल्डन की तरह है, लेकिन ये गोल्डन है नहीं। वाओ, ब्यूटीफुल। और ऑल्सो इस पार्क में आपको बर्तन की दुकान भी दिखने को मिलेगी। अबे साले, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा बर्तन की भंडार आपको दिखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पता नहीं इसमें लग रहा है चारों तरफ चुंबक है, उसकी तरह सब चिपका हुआ है। अल्ताफ, अगर तुमको बर्तन की ज़रूरत पड़ेगा या किसी को पड़ेगा तो इस पार्क से आकर आप बर्तन ले जा सकते हैं। तो तुम क्या बोलना चाहते हो कि हम रूम पर बर्तन से काम करते रहते हैं तो हम यहीं से बर्तन ले जाएंगे? नहीं, अगर तुमको ज़रूरत पड़ेगा, तुम आए हो यहाँ पे, तो ले सकते हो। और गाइस, हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बबल्स है, बहुत सारे बबल्स हैं, उसमें छोटे बच्चे देख सकते हैं कितने मस्त इंजॉय कर रहे हैं। उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, आराम से उसमें बैठ कर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं। बस ये बबल सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक बबल्स नहीं है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रही है। फाइनली गाइज, हम लोगों ने अपने इको पार्क का टूर कम्प्लीट कर लिया। हम लोगों ने बहुत मस्ती किया इको पार्क में, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि एक्चुअली जो पार्क होता है ना गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए होता है, और मैं अपने चूतिया दोस्त के साथ घूमने जो आया हूँ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और अगली बार कोशिश करूँगा कि मैं किसी की तो गर्लफ्रेंड के साथ आऊँ, अपनी नहीं तो मैं असगर की ही गर्लफ्रेंड के साथ आऊँ, लेकिन ज़रूर आऊँ क्योंकि वो सोचने हो। You've been staying up late, I don't know what for.